हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरोफोइल एंड विंग्स, और ये हमारा तीसरा चैप्टर रहेगा थ्योरी ऑफ फ्लाइट्स का। तो आइए डिस्कस करते हैं कि एरोफोइल क्या होता है। तो एरोफोइल में हम सबसे पहले हम जो पॉइंट्स आज लेने जा रहे हैं उन पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करेंगे एरोफोइल को। एरोफोइल क्या होता है, आज हम डिस्कस करेंगे कॉर्ड लाइन। एरोफोइल में कॉर्ड लाइन क्या होती है, कैम्बर लाइन क्या होती है, एंगल ऑफ अटैक क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, और इसमें हम विंग का स्पैन की बात करेंगे आप, और हम बात करेंगे एरोडायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एयरफॉइल। एक एयरफॉइल का एरोडायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे, और ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एयरफॉइल की, कि एयरफॉइल क्या होता है। मान लो कि ये हमारा विंग है किसी एयरक्राफ्ट का, और इस विंग का अगर हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया काट दें, वो एक एयरफॉइल का शेप आएगा। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं आपको, तो कुछ इस टाइप का शेप हमारा एयरफॉइल का होगा। दिस विल बी एन एयरफॉइल शेप और एयरफॉइल सेक्शन वी कैन से। इसमें ये अगर हमारी विंग का लीडिंग एज है, ये हमारी विंग का लीडिंग एज है, ये हमारी विंग का ट्रेलिंग एज है पूरा। तो एयरफॉइल सेक्शन का ये लीडिंग एज हो जाएगा और ये ट्रेलिंग एज हो जाएगा। तो ये होगा हमारा एरोफोइल। तो एरोफोइल के बारे में हमने जान लिया कि एरोफोइल क्या होता है। एरोफोइल एक विंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अगर हम एक विंग को क्रॉस सेक्शन वाइज कट कर दें, तो हमारे पास जो एरिया मिलेगा दैट विल बी एन एरोफोइल सेक्शन। तो हम इस छोटे से पार्ट को डिस्कस करेंगे, एक विंग का छोटा सा हिस्सा है। मीन्स एरोफोइल क्या है, अगर डिफरेंट एरोफोइल को हम साथ साथ में जोड़ दें, देन एक विंग बनेगा अपना। मान लो कि ये एरोफोइल सेक्शन को हम जोड़ दें, देन इट विल बी लाइक आवर विंग। ये एक विंग हो जाएगा, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एरोफोइल क्या होता है। एरोफोइल एक विंग का एक सेक्शन होता है। क्रॉस सेक्शन हमने विंग का कट किया, वो एरोफोइल बना। डिफरेंट एयरफॉइल्स को अगर हम साथ साथ कंबाइन अगर रख दें, तो एक वो विंग फॉर्म करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉर्ड लाइन। कॉर्ड लाइन क्या होती है, कॉर्ड लाइन क्या होती है, इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द लीडिंग एज एंड द ट्रेलिंग एज। इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द लीडिंग एज एंड द ट्रेलिंग एज। तो ये हमारा लीडिंग एज हो गया, ये हमारा ट्रेलिंग एज हो गया। तो इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन, तो मीन्स हम एक स्ट्रेट लाइन, ये इसमें करेक्ट हो गया, मींस ये हो जाएगी हमारी कॉर्ड लाइन। कॉर्ड लाइन कुछ भी नहीं है दोस्तों, कॉर्ड लाइन एक लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज अगर हम एरोफोइल सेक्शन का लें, अगर उसको कनेक्ट कर दें, एक स्ट्रेट लाइन रहेगी वो। ऐसे नहीं है कि आप लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज ये है और आप इसको यहां से घुमा के ले आए, ऐसे घुमा के ले आए और इसको कनेक्ट कर दिया, ये कॉर्ड लाइन नहीं होगी। कॉर्ड लाइन एक स्ट्रेट लाइन होगी दैट विल कनेक्ट आवर लीडिंग एज एंड आवर ट्रेलिंग एज ऑफ एन एयरफॉइल सेक्शन। तो ये हमारी कॉर्ड लाइन हो गई। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट आवर कैम्बर लाइन। डिफाइन करें कि कैम्बर लाइन क्या होती है। अगर हम कैम्बर लाइन में हम बात करेंगे मीन कैम्बर लाइन की, यहाँ पे इट इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट्स मिडवे बिटवीन अपर सरफेस एंड द लोअर सरफेस ऑफ एन एयरफॉइल सेक्शन। मीन्स इट इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट्स मिडवे बिटवीन
upper surface and the lower surface of an aerofoil section. ये हमारा aerofoil section है, ये इसकी upper surface है, ये इसकी lower surface है. तो it is the locus of the points midway between the upper and the lower surface. इनका एकदम midway जो points अगर हम connecting कर दें, connecting to the leading edge and the trailing edge of an aerofoil is called the mean camber line. तो mean camber line को अगर मैं define करूँ फिर से simple words में, तो हमारा aerofoil section हो गया, उसकी upper surface हो गई, उसकी lower surface हो गई, उसका एकदम mid अगर मैं points dotted करूँ connecting the leading edge and the trailing edge, वो जो points जो होंगे अगर उनको connect किया जाए leading to trailing edge, वो हमारी एक mean camber line होगी. एक example और लेता हूँ, आपको clear हो जाएगा. मान लो कि ये एक हमारा aerofoil section है. Now you will get this. और ये हमारा trailing edge हो गया और ये हमारा leading edge हो गया इसका aerofoil section का. तो chord line की पहले मैं बात करूँगा, तो chord line ये हो गई. जरूरी नहीं है कि chord line एक aerofoil section के अंदर से ही गुजरे, बाहर भी गुजर सकती है. और अब हम बात करेंगे mean camber line की, कि mean camber line इसमें क्या होगी. देखिए, ये हो गया leading edge, ये हो गया trailing edge. अब यहाँ से हम upper और lower surface का midway लेना है. ये देखिए, अगर हमारा अपर सरफेस इससे थोड़ा सा ऊपर होता उठ के ऐसे, देन आवर मीन कैम्बर लाइन जो है ये नहीं होती. तो हमारी मीन कैम्बर लाइन कुछ इस टाइप से होती. आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि मीन कैम्बर लाइन क्या होती है. अभी देखिए, हम बात करेंगे, बार बार ये वर्ड यूज करेंगे. तो कैम्बर क्या होगा? कैम्बर, दिस विल बी द कैम्बर, मीन्स इट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस. मिनिमम डिस्टेंस तो ये हो गई कॉर्ड लाइन से. और अगर हम कैम्बर लाइन की, मेन कैम्बर लाइन की बात करूँ, तो मिनिमम डिस्टेंस ये हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. इट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द मेन कैम्बर लाइन एंड द कॉर्ड लाइन, उसको हम कैम्बर कहेंगे. तो ये मैक्सिमम एकदम पीक है. तो ये हमारा इस एयरफॉइल सेक्शन का ये हमारा कैम्बर हो जाएगा, ये मैक्सिमम कैम्बर है. तो ये हो जाएगी हमारी मैक्सिमम कैम्बर लाइन और ये हो जाएगा हमारा कैम्बर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैम्बर क्या होता है. अब अगर मैं बात करूं कि दो एयरोफॉइल सेक्शन दे दूं और आपको कहूं इनमें से आपको पता लगाना है कि किसका कैम्बर ज़्यादा है, तो आप जस्ट एक देखने से बता दोगे कि इसका कैम्बर ज़्यादा है, इसका कैम्बर कम है. देखिए, ये हमारे पास एयरोफॉइल है एक, हमारा दूसरा एयरोफॉइल ये है, ठीक है, हमारा दूसरा एयरोफॉइल ये है. तो आप देख के बता दोगे कि किसका कैम्बर ज़्यादा है. ये ट्रेलिंग एज हो गया, ये लीडिंग एज हो गया, लीडिंग एज हो गया, ट्रेलिंग एज हो गया. तो इसका कैम्बर ज़्यादा है. क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसमें जो कैम्बर लाइन होगी उसका कॉर्ड लाइन के साथ में डिस्टेंस ज़्यादा रहेगी, इसमें जो कैम्बर लाइन रहेगी उसका कॉर्ड के साथ में डिस्टेंस कम रहेगी. वो देखने से पता लग रहा है कि जो उठा हुआ ज़्यादा रहेगा अपर सरफेस ऐसे, उसका कैम्बर ज़्यादा रहेगा और इसका कैम्बर कम है. तो आई होप आपको कैम्बर समझ में आ गया होगा, एयरफॉइल क्या होता है वो समझ में आ गया होगा, कॉर्ड लाइन क्या होती है वो समझ में आ गया होगा, मीन कैम्बर लाइन और कैम्बर क्या होता है ये भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ अटैक की. तो एंगल ऑफ अटैक की अगर मैं बात करूं, तो एंगल ऑफ अटैक को मैं डिफाइन अगर करूं, तो एंगल ऑफ अटैक इज द एंगल बिटवीन द कॉर्ड लाइन एंड द एयर फ्लो. एयर फ्लो और जो हमारी कॉर्ड लाइन है उसके बीच का जो एंगल होगा उसको हम एंगल ऑफ अटैक कहेंगे. आइए समझते हैं क्या होता है एंगल ऑफ अटैक. मान लो कि हमारा एयर फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन से आ रहा है, ये हमारा एयर फ्लो है, राइट, ये हमारा एयर फ्लो है. तो मैंने क्या कहा, एंगल ऑफ अटैक इज द एंगल बिटवीन द कॉर्ड लाइन एंड द रिलेटिव एयर फ्लो.
ये हमारा एयर फ्लो हो गया और ये हमारी कोर्ड लाइन हो गई। तो इसका बीच का जो एंगल है अगर हम उसको अल्फा मान लें, देन अल्फा विल बी अवर एंगल ऑफ अटैक। कॉर्ड लाइन और रिलेटिव एयर फ्लो के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ अटैक होगा। मींस अगर हमारा एयरक्राफ्ट है वो ये फ्लाई कर रहा है ऐसे, अगर उसने पिचअप कर दिया, पिचअप मींस हमने पिचिंग मूवमेंट पढ़ा था एयरक्राफ्ट का, पिच अप पिच डाउन, तो अगर ऐसे वो फ्लाई कर रहा है और अगर उसने पिच अप कर दिया मींस नोज अप कर दिया, देन एयरक्राफ्ट ने क्या किया है अपना एंगल ऑफ अटैक को इंक्रीज किया है। मींस उसकी जो कॉर्ड लाइन थी उसका रिलेटिव एयर फ्लो से एंगल इंक्रीज हो गया। मींस ये था हमारा विंग, ये एयरक्राफ्ट ऐसे फ्लाई हो रहा है, अभी रिलेटिव एयर फ्लो ऐसे है, उसके बीच का एंगल क्या हो गया, अल्फा हो गया। जैसे ही एयरक्राफ्ट ने पिच अप किया मींस एंगल इंक्रीज हो गया, तो उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ अटैक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एयरोफॉइल क्या होता है, कॉर्ड लाइन क्या होती है, कैम्बर लाइन क्या होती है, कैम्बर क्या होता है, एंगल ऑफ अटैक क्या होता है। अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस की, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हर एयरक्राफ्ट के लिए फिक्स्ड रहता है। लाइक मान लो कि एक एयरक्राफ्ट ए है, एक बी टाइप का एयरक्राफ्ट है, दोनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो फिक्स रहेगा हमेशा, चाहे उसका एंगल ऑफ अटैक कम हो जाओ, एंगल ऑफ अटैक ज़्यादा हो जाओ। इसका अगर मान लो कि चार है, चार डिग्री है, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसका अगर मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस चार डिग्री है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस दो डिग्री है, तो इनका ऑलवेज चाहे इनका एंगल ऑफ अटैक जीरो हो चाहे इसका एंगल ऑफ अटैक टेन हो, इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस चार ही रहेगा, इसका दो ही रहेगा। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा। जैसे कि हमारा एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस को सेट करता है। मींस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज प्रीसेट बाय द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर उसको प्रीसेट करता है कि इस एयरक्राफ्ट का एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहेगा, अगर एंगल ऑफ अटैक जीरो भी रहेगा देन आल्सो आवर आई कैन से हमारी जो विंग रहेगी वो थोड़ा सा इंक्लिनेशन पे रहेगी, दो डिग्री रहेगी, चार डिग्री रहेगी। मान लो कि ये हमारा एयरक्राफ्ट है जो कि ग्राउंड पे खड़ा है, राइट। इसमें एक वर्ड यूज होता है रिगिंग पोजीशन, रिगिंग पोजीशन, ये एक वर्ड यूज होता है फ्रेंड्स। इसमें रिगिंग पोजीशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो रिगिंग पोजीशन क्या होती है, रिगिंग पोजीशन यू कैन से हम कैलिब्रेट करते हैं किसी चीज को, राइट। तो कैलिब्रेशन जैसे कि मोबाइल में अपना जीपीएस है उसको कैलिब्रेट करने के लिए हम ऐसे ऐसे घुमाते हैं उसको, राइट। तो रिगिंग पोजीशन क्या है कि हम अगर एयरक्राफ्ट जब मैन्युफैक्चरर जो होता है वो उसको हर एक जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर कैलिब्रेट करना चाह रहा है तो हम नॉर्मल अगर एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे खड़ा है तो हम उसको कैलिब्रेट नहीं कर सकते एयरक्राफ्ट को एंगल ऑफ इंसिडेंस को, राइट। तो क्या करता है, एयरक्राफ्ट को रिगिंग पोजीशन में लाया जाता है, जैकअप किया जाता है, और लाइक यू कैन से प्लम्बोब आपने सुना होगा, प्लम्बोब, तो उनके हेल्प से जो उनके पास टूल्स रहते हैं तो जैकअप किया जाता है एयरक्राफ्ट को, और एयरक्राफ्ट को चारों ओर से जो है इक्वली जो है एकदम जैकअप किया जाता है एकदम न्यूट्रलाइज पोजिशन में, मतलब एयरक्राफ्ट इज इन द न्यूट्रल पोजिशन, कहीं से भी अप डाउन नहीं है। उस पोजिशन में जो है एक एयरक्राफ्ट की विंग को सेट कर दिया जाता है किसी एंगल पे, एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे है लेकिन जैकअप है, एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे जैकअप है, रिगिंग पोजीशन में है, उसके बाद एयरक्राफ्ट की विंग को सेट कर दिया जाता है किसी फिक्स्ड एंगल पे, उसको एक फिक्स्ड एंगल दे दिया, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, रिगिंग पोजीशन क्या होती है एयरक्राफ्ट की। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ अटैक में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, एंगल ऑफ अटैक इज डिफरेंट थिंग, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ए डिफरेंट थिंग। तो अभी हम बात करेंगे एस्पेक्ट रेशियो और, तो सबसे पहले हम स्पैन की बात करेंगे, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस एस्पेक्ट रेशियो। तो स्पैन क्या होता है किसी एयरक्राफ्ट का वो हम बात करेंगे, एक विंग का स्पैन होता है एक्चुअली, कि विंग का कितना स्पैन होता है, लेट अस टॉक। तो हम बात करने जा रहे हैं स्पैन की, स्पैन क्या होता है एक्चुअली, स्पैन विंग का होता है
विंग स्पैन अगर हम इसको लिखें तो दैट विल बी मोर क्लैरिफाई. तो मान लो कि ये हमारा एयरक्राफ्ट है, ये फ्यूजलेज है एयरक्राफ्ट का, और इस पे जो है ये विंग्स लगे हुए हैं, राइट. और सिमिलरली जो है इस पे विंग्स लगे हुए हैं, तो हम आपको बता दें कि ये रहा, ठीक है, राइट. तो ये हमारा एयरक्राफ्ट हो गया, इस पे विंग्स लगे हुए हैं. अब विंग का थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं हम यहाँ पे चैप्टर, कि विंग स्पैन क्या होता है. तो एयरक्राफ्ट का फ्यूजलेज है, इसमें ये विंग्स अटैच हैं, और ये पार्ट भी जो है हम विंग का मानते हैं. ये पूरा एक जो है विंग का सेट हो गया. ये पोर्ट विंग होगी, मान लो कि जैसे कि पोर्ट स्टारबोर्ड, आपको पता होगा कि लेफ्ट हैंड साइड को हम पोर्ट बोलते हैं और राइट हैंड साइड को हम स्टारबोर्ड बोलते हैं, राइट. तो एयरक्राफ्ट का ये अगर पोर्ट है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो इसको हम पोर्ट बोलेंगे, पोर्ट साइड ऑफ एन एयरक्राफ्ट, और आर फॉर द स्टारबोर्ड साइड ऑफ एन एयरक्राफ्ट, राइट. ओके, नाउ हम डिस्कस कर रहे थे कि स्पैन क्या होता है, विंग स्पैन क्या होता है. मान लो कि ये हमारा विंग का टिप है यहां से, और इस विंग का टिप ये है, राइट. देन दिस कंप्लीट डिस्टेंस फ्रॉम विंग टिप टू द विंग टिप इज नोन एज विंग स्पैन. ये हमारा एयरक्राफ्ट का नोज है, ये हमारे एयरक्राफ्ट का टेल है, ये हमारे एयरक्राफ्ट की विंग्स हैं. तो विंग टिप टू द विंग टिप का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे विंग स्पैन, कि विंग की कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ी विंग्स हैं, उसको हम विंग स्पैन बोलेंगे. अब हम बात करेंगे एस्पेक्ट रेशो की, कि एस्पेक्ट रेशो क्या होता है. एस्पेक्ट रेशो को समझने के लिए हमें जो है कॉर्ड लाइन पता है क्या होता है, विंग का स्पैन पता है क्या होता है. तो कॉर्ड लाइन की अगर मैं बात करूं, तो हमने क्या था कि मान लो कि ये हमारा एयरफॉइल सेक्शन है, डिफरेंट एयरफॉइल सेक्शंस को अगर हम ज्वाइन करें तो वो एक विंग का फॉर्म करेगी, और वही मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा. ये हमारे एयरफॉइल सेक्शन है, डिफरेंट एयरफॉइल सेक्शन को अगर हम ज्वाइन करें तो एक विंग का फॉर्म होगा. तो इसका जो कॉर्ड लाइन होगा दैट विल बी दिस, ये होगा कॉर्ड लाइन, इसका कॉर्ड लाइन ये होगा, इसका कॉर्ड लाइन ये होगा, इसका कॉर्ड लाइन ये होगा, राइट. तो यहाँ पे कॉर्ड लाइन क्या होगी, छोटी होगी, राइट. इस पे बड़ी होगी कॉर्ड लाइन, इस पे और बड़ी कॉर्ड लाइन होगी. मींस हम इन सब कॉर्ड लाइंस का अगर हम एवरेज ले लें, तो एवरेज कॉर्ड लाइन क्या होगी अपने पास. तो मैं अगर एवरेज कॉर्ड की बात करूं, तो एवरेज कॉर्ड लेंथ जो होगी, कॉर्ड एवरेज, दैट विल बी द एवरेज कॉर्ड. अगर हम ये मान लें कि ये एवरेज कॉर्ड है इस विंग का, और स्पैन हो गया ये हमारा एस, तो जो एस्पेक्ट रेशियो जो होगा, एस्पेक्ट रेशियो इज इक्वल टू विंग स्पैन अपॉन एवरेज कॉर्ड. ये हमारा एस्पेक्ट रेशियो का फॉर्मूला है. तो एस्पेक्ट रेशियो की हम बात कर रहे थे, एस्पेक्ट रेशियो इज इक्वल टू विंग स्पैन ओवर एवरेज कॉर्ड. तो विंग स्पैन अपना एस था, एवरेज कॉर्ड दिस, तो ये हो गया अपना एस्पेक्ट रेशियो. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एस्पेक्ट रेशियो. तो अगर हम बात करें कि हमारा ये एयरक्राफ्ट था, इसमें हमारी ये विंग्स थी, और ये हमारा स्पैन था, और ये हमारी एवरेज कॉर्ड थी, राइट. तो अगर हम एरिया निकालना चाहें विंग का, तो हम कैसे निकालेंगे एरिया, एवरेज कॉर्ड इनटू विंग का स्पैन एस, दिस विल बी द एरिया ऑफ ए विंग. इस विंग का एरिया ये हो जाएगा, राइट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एरोडायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एयरोफॉइल. एक एयरोफॉइल का एरोडायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. क्या क्या पैरामीटर्स होंगे जो कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करेंगे. जो पहला होगा वो होगा लीडिंग एज रेडियस, दूसरा जो होगा वो होगा मीन
कैम्बर लाइन। तीसरा जो होगा वो होगा मैक्सिमम थिकनेस एंड थिकनेस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल, राइट। और जो लास्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा ट्रेलिंग एज एंगल। तो ये हमारे जो है पैरामीटर्स होंगे जो कि एरोडायनेमिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एयरफॉइल को अफेक्ट करेंगे। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा वो है लीडिंग एज रेडियस। तो लीडिंग एज रेडियस की अगर मैं बात करूं, ये हमारा एयरफॉइल सेक्शन है और ये इसका ट्रेलिंग एज हो गया, ये इसका लीडिंग एज हो गया। तो लीडिंग एज रेडियस, हम ये सब सबसोनिक फ्लो में बात करेंगे। और सबसोनिक फ्लो को आप बताइए, सबसोनिक और सुपरसोनिक फ्लो आपने सुना ही होगा। सबसोनिक फ्लो मींस स्पीड ऑफ साउंड से कम रहेगी इसकी स्पीड, और सुपरसोनिक में ज़्यादा रहेगी। सुपरसोनिक जो है वो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा रहेगी। तो हम अभी ओनली सबसोनिक की बात करेंगे। और सबसोनिक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो लीडिंग एज पे जो है ना राउंड शेप रहेगा, मींस जो लीडिंग एज से अगर हम टेंजेंशियल लाइन अगर खींचें, इसकी जो ये सरफेस है अपर सरफेस और लोअर सरफेस, इनके टेंजेंशियल लाइन से एक सर्किल हो ऐसा, तो ये दैट विल बी इन राउंड इन शेप इन सबसोनिक फ्लो। सबसोनिक फ्लो में ये राउंड शेप में रहेगा। इतना लीडिंग एज रेडियस है, ये अफेक्ट करेगा एक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एयरोफॉइल का। एरोडायनेमिक करैक्टरिस्टिक्स उसके कैसे होंगे, उस वो कम लिफ्ट जनरेट करेगा, ज़्यादा लिफ्ट जनरेट करेगा। ये रेडियस अगर कम होगा ज़्यादा होगा तो दैट विल चेंज द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एयरोफॉइल, राइट। दूसरा पॉइंट है मेन कैम्बर लाइन। तो मेन कैम्बर लाइन की अगर मैं बात करूं तो कैम्बर हमने पढ़ ही लिया था कि कैम्बर क्या होता है। तो दैट इज द मेन कैम्बर लाइन। और मेन कैम्बर लाइन जो होगी दैट विल आल्सो अफेक्ट द एरोडायनेमिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एयरोफॉइल। अगर यही मेन कैम्बर लाइन थोड़ा ऊपर से हो देन इसका जो अपर सरफेस है एयरोफॉइल का दैट विल बी मोर, ज़्यादा रहेगा ऊपर की तरफ, तो वो भी अफेक्ट करेगा अपनी जो है एरोडायनेमिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एयरोफॉइल। मींस इसका डायरेक्ट जो इश्यू है वो है कैम्बर से है, डायरेक्ट लिंक कैम्बर से है कि कैम्बर अगर किसी का कम होगा, कैम्बर किसी का ज़्यादा होगा, दैट विल डायरेक्टली अफेक्ट द एरोडायनेमिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एयरोफॉइल। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज मैक्सिमम थिकनेस एंड द थिकनेस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल। मैक्सिमम थिकनेस क्या होती है, जैसे कि ये हमारा एयरोफॉइल का अपर सरफेस है, ये हमारा पीक लेते हैं हम, तो ये मैक्सिमम थिकनेस हो गई हमारे एयरोफॉइल की, दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम थिकनेस। और ये मैक्सिमम थिकनेस विल आल्सो दैट अफेक्ट करेगी हमारे करैक्टरिस्टिक्स को। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है ट्रेलिंग एज एंगल। ट्रेलिंग एज एंगल की मैं अगर बात करूं तो अगर किसी एयरोफॉइल का ट्रेलिंग एज ज़्यादा नीचे जा रहा है, यहाँ पे देखो ये आ गया, राइट, ये हमारा एक एयरोफॉइल है, तो इसमें ये हो जाएगा कैम्बर लाइन और ये हो जाएगा ट्रेलिंग एज। तो यहाँ से ट्रेलिंग एज जो है दैट आल्सो अफेक्ट द एरोडायनेमिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एयरोफॉइल। हाउ, यहाँ पे जो है स्ट्राइक करेगी एयर, राइट, तो यहाँ से क्या होगा, हमें ज़्यादा लिफ्ट मिलेगी क्योंकि यहाँ पे टर्बुलेंस ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पे स्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा। हम ये डिस्कस करेंगे लेटर की कैसे अफेक्ट करेगा, जस्ट आप समझ लो कि ये जो है पॉइंट्स होंगे चार जो कि मेन पॉइंट्स होंगे दैट विल अफेक्ट द एरोडायनेमिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एयरोफॉइल। आइए चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे एयरोफॉइल का करैक्टरिस्टिक्स का कि वो कैसे जो है बिहेव करता है एक फ्लो में, दैट इज ट्रेलिंग एज एंड दिस इज द लीडिंग एज ऑफ एन एयरफॉइल। मान लो कि ये फ्लो आ रहा है यहाँ से, राइट, ये फ्लो आ गया, ये एयर फ्लो है, राइट। तो क्या बिहेवियर होगा एयर फ्लो का एक एयरफॉइल सेक्शन अगर उसमें से पास करेगा तो? तो हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस आई, हमने जैसे कि कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ और एक्सपेरिमेंट में कुछ ऑब्जर्वेशंस आई। पहला जो था वो ये था कि जैसे ही फ्लो आया इसकी लीडिंग एज को स्ट्राइक ना करके एक अप फ्लो का डायरेक्शन में गया,
एक्चुअली इसको स्ट्राइक नहीं कर रहा है लीडिंग एज को, वो एक अपफ्लो मेंटेन कर रहा है और पास हो गया, राइट। सिमिलरली आया, इसको स्ट्राइक नहीं किया, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ और पास हो गया, राइट। मीन्स पहला पॉइंट होगा कि एयर फ्लो जो था वो एक अप फ्लो डायरेक्शन में जाएगा जस्ट बिफोर आवर लीडिंग एज, और आवर लीडिंग एज को स्ट्राइक भी नहीं करेगा, ये दोनों हम इसी में इंक्लूड करते हैं, विदाउट टचिंग लीडिंग एज, राइट। एक अपफ्लो की डायरेक्शन में चला जाएगा और एक्चुअली में अपने लीडिंग एज को स्ट्राइक नहीं करेगा वो, ये लीडिंग एज है, ये ट्रेलिंग एज है, राइट। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि जो फ्लो अप डायरेक्शन में गया विदाउट टचिंग द लीडिंग एज और फिर अपनी अपर सरफेस से चिपकता हुआ वो ट्रेलिंग एज के पास आया, तो यहाँ पे एक डाउन फ्लो जो है देखा गया, वो थोड़ा हट डाउन होके निकलता है यहाँ से, राइट। मीन्स अप फ्लो एट लीडिंग एज और डाउन फ्लो एट ट्रेलिंग एज, ट्रेलिंग एज पे एक डाउन फ्लो जो है नोट किया गया, ये ऑब्जर्वेशन था। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है, ये तो अप ऊपर वाले फ्लो का बात हो गया, अप फ्लो का, अगर बात करूं नीचे का तो नीचे वाली जो स्ट्रीम है उसका बिहेवियर देखिए कि जो अपर स्ट्रीम और लोअर स्ट्रीम जो है उनमें लीडिंग एज से पहुंचने से पहले ही जो हैं सेपरेट हो जा रही हैं, वो लीडिंग एज पे एक्चुअली पहुंच नहीं रही हैं, स्ट्राइक नहीं कर रही हैं, लीडिंग एज को टच नहीं कर रही हैं, उससे पहले ही वो है सेपरेट हो रही हैं। ये हमारा पॉइंट था तीसरा पॉइंट, डिवाइड हो रही हैं वो, डिवाइड फ्लो, राइट, फ्लो का डिवीजन हो रहा है, फ्लो डिवाइड हो गया है, राइट। उसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट जो था वो था ऊपर जो एयर फ्लो की जो स्पीड है दैट इज हायर देन द लोअर, अपर फ्लो की स्पीड ज़्यादा है, बात करूँ मैं स्पीड की तो स्पीड ऊपर ज़्यादा है फ्लो की एज कंपेयर टू नीचे, नीचे फ्लो की स्पीड कम है, काइनेटिक एनर्जी फ्लो की ऊपर क्या रहेगी ज़्यादा रहेगी, नीचे काइनेटिक एनर्जी फ्लो की क्या रहेगी कम रहेगी। मीन्स अगर काइनेटिक एनर्जी ऊपर फ्लो की ज़्यादा है तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है, ये क्रॉस सेक्शन जो है ज़्यादा है, ये क्रॉस सेक्शन कम है, यहाँ से कोई भी फ्लो हो रहा है फ्लूड, राइट। अगर कोई भी फ्लूड यहाँ से फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी और स्पीड जो है वो ज़्यादा होंगी, बट द स्टैटिक प्रेशर जो है वो कम होगा, यहाँ पे स्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। मीन्स बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है कि यहाँ पे जो स्टैटिक प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा। मीन्स यहाँ पे लो स्टैटिक प्रेशर और यहाँ पे हाई स्टैटिक प्रेशर, मीन्स यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा, यहाँ पे प्रेशर कम, मीन्स हमारा नेट ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट होगा एंड दैट हेल्प्स एन एयरफॉइल सेक्शन टू गेन द लिफ्ट। तो फाइनली हम डिस्कस करेंगे अभी एक ग्राफ, और ये जो ग्राफ होगा ये हमारा होगा एंगल ऑफ अटैक और लिफ्ट का, लिफ्ट कोफिशिएंट का, कि एंगल ऑफ अटैक के साथ लिफ्ट कैसे इंक्रीज होती है और कैसे डिक्रीज होती है। ये हम सबसोनिक फ्लो की बात कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं कि सबसोनिक फ्लो में सारी स्टडी हमने की है। ये मान लो हमारा एयरफॉइल सेक्शन है, ये इसकी कॉर्ड लाइन हो गई, राइट, ये लीडिंग एज हो गया, ये ट्रेलिंग एज हो गया, ये हमारा फ्लो है, अल्फा एंगल ऑफ अटैक हो गया,
राइट। जैसे ही हम एंगल ऑफ, अभी देखो लिफ्ट मिल रही है हमें, क्यों? क्योंकि यहां से जो है हमारी एयर फ्लो है वो चिपक के चल रहा है, राइट। चिपक के चल रहा है मीन्स क्या है, स्टैटिक प्रेशर कम है, यहां पे ज्यादा प्रेशर है, हमें लिफ्ट मिल रही है। जब तक ये हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो चिपक के चलता रहेगा तब तक हमें लिफ्ट मिलती रहेगी। जैसे ही ये फ्लो टर्बुलेंट फ्लो हो गया, टर्बुलेंट फ्लो मीन्स ये टर्बुलेंट फ्लो हो गया मीन्स हमारा स्टैटिक प्रेशर हेयर बढ़ेगा, हमारी लिफ्ट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो हमारा टारगेट रहेगा कि स्ट्रीमलाइन फ्लो को मेंटेन करना है, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, चिपक के चलना चाहिए, अपनी एयरोफॉइल सरफेस के ऊपर वाला जो सरफेस है उस पर चिपक के चलना चाहिए। नीचे जो है कंपेरेटिवली जो है नॉर्मली टर्बुलेंट रहता है फ्लो, फ्लो थोड़ा सा चिपक के नहीं चलता, इनके बीच में गैप रहता है, ऊपर एकदम चिपक के चलता है, दैट्स वाई हमें लिफ्ट मिल रही है, राइट। अभी जैसे ही हम एंगल ऑफ अटैक को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हमने एंगल ऑफ अटैक को इंक्रीज किया, एंगल ऑफ अटैक यहाँ पे मान लो इंक्रीज हो गया, ये अल्फा था, अभी ये अल्फा डैश हो गया, ये इंक्रीज कर दिया हमने, तो भी हमने ऑब्जर्व किया कि चिपक के चल रहा है हमारा एयर फ्लो, ऊपर से चिपक के चल रहा है हमारा एयर फ्लो और नीचे तो हमारा गैप ज़्यादा है, चिपक के नहीं चल रहा, लेकिन हमारी लिफ्ट इंक्रीज हुई है, ये हमने ऑब्जर्व किया कि लिफ्ट इंक्रीज हो गई। थोड़ा सा हमने और इसको इंक्रीज किया, तो थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, जैसे ही हम थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे तो हमारी एयर आएगी और थोड़ा सा टेंडेंसी रहेगी उसकी पहले ही जो है छोड़ने की, वो ट्रेलिंग एज को छोड़ेगी, फिर ट्रेलिंग एज को छोड़ना स्टार्ट कर देगी, राइट। और हमारा यहाँ पे टर्बुलेंस फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स हमें लिफ्ट मिलना कम स्टार्ट हो जाएगी, लिफ्ट कम मिलेगी, फिर हमें लिफ्ट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। फिर एक एंगल आएगा जब एयरक्राफ्ट को लिफ्ट नहीं मिलेगी, वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, दैट एंगल इज कॉल्ड स्टॉलिंग एंगल, उसको हम स्टॉलिंग एंगल बोलेंगे, एयरक्राफ्ट स्टॉल हो जाएगा, राइट। स्टॉलिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट मीन्स लिफ्ट मिलना कम हो जाएगी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इस ग्राफ को। सबसे पहले जब एंगल ऑफ अटैक जीरो था तो एयरक्राफ्ट में सम अमाउंट ऑफ लिफ्ट थी, क्यों थी वो हमने आपको पहले बता दिया है कि मैन्युफैक्चर जो है पहले से प्री डिसाइडेड एंगल रखता है विंग्स का, जिससे कि उसको लिफ्ट मिलती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपको याद हो तो उससे एयरक्राफ्ट को थोड़ा सा लिफ्ट मिलेगा जब एंगल ऑफ अटैक जीरो रहेगा, राइट। देन स्लोली स्लोली हम एंगल ऑफ अटैक को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, 12 डिग्री तक, ये एवरेज हम बात कर रहे हैं, एवरेज जब 12 डिग्री तक जाता है तब तक एक स्ट्रेट लाइन रहती है एंगल ऑफ अटैक की और लिफ्ट की, मीन्स हमारी लिफ्ट जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी जैसे ही हम एंगल अटैक इंक्रीज करेंगे। तो ये हो गया हमारा 12 डिग्री पे, राइट, 12 डिग्री एंगल ऑफ अटैक पे। देन हमने ऑब्जर्व किया कि 12 डिग्री से 15 डिग्री लिफ्ट बढ़ रही है, लेकिन उतनी जो है उसकी रेट ऑफ इंक्रीज कम हो गया है, राइट। तो ये हो गया हमारा 15 डिग्री पे, बढ़ रही है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो कम रेट पे इंक्रीज हो रही है 15 डिग्री तक, राइट। लेकिन अबो 15 डिग्री जो है लिफ्ट मिलना कम हो गई है और लिफ्ट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है, राइट। तो 15 डिग्री से ऊपर जो है लिफ्ट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है, मींस 15 डिग्री इज द स्टॉलिंग एंगल, ये एक जनरल हम बात कर रहे हैं, स्टॉलिंग एंगल 15 डिग्री इज द स्टॉलिंग एंगल, 15 डिग्री के बाद जो है एयरक्राफ्ट स्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसको प्रिवेंट करने के लिए भी एयरक्राफ्ट में कुछ दिया हुआ है, हमने पहले चैप्टर्स में जो है डिस्कस किया था, एक वर्ड यूज किया था स्लैट्स, अगर आपको याद हो तो हमने स्लैट्स पढ़े थे कि स्लैट्स क्या होते हैं। स्लैट्स जो हमने पढ़े थे वो ये पढ़े थे कि ये हमारा विंग है, तो हमारे विंग के जो लीडिंग एज है, लीडिंग एज पे जो है स्लैट्स लगे होते हैं। स्लैट्स का मेन पर्पस क्या है, वो स्ट्रीमलाइन फ्लो को मेंटेन करते हैं, मींस वो जैसे कि हमने एयरफॉइल में पढ़ा था कि जब तक जो है चिपक के चलती रहेंगी इनमें से, तब तक क्या होगा, लिफ्ट मिलती रहेगी हमें, मींस जब एंगल ऑफ अटैक 15 डिग्री से कम था
तो हमारे फ्लो में इतनी एनर्जी थी कि वो इसके चिपक के चल सके। लेकिन जैसे ही हमने 15 डिग्री से ऊपर किया उसको, तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं बची, वो पहले ही अपना रास्ता छोड़ दे रही है, ट्रेलिंग एज को छोड़ रही है पहले ही, राइट। ट्रेलिंग एज तक नहीं पहुंच पा रही है, वो पहले ही टर्बुलेंट फ्लो कर दे रही है, एनर्जी उनमें नहीं है, राइट। मींस कुछ ऐसा चीज चाहिए हमें जो कि उनको बूस्ट कर सके, एनर्जी दे सके कि आप ट्रेलिंग एज तक जाओ। वो स्लैट्स हैं। 15 डिग्री के बाद क्या होगा, स्लैट ओपन हो जाएंगे। ये प्री जो है इनमें फोर्स सेट किया हुआ है कि भाई 15 डिग्री पे जैसे ही जो है अपना एंगल ऑफ अटैक जाएगा, इनके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा उन फोर्स से ये ओपन हो जाएंगे। और ये क्या होगा, इनके बीच में अपनी जो विंग है और स्लैट है इनके बीच में काफ़ी जो है कम स्पेस रहता है, और कम स्पेस में हमने देखा है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, मींस इनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई अपने एयर फ्लो की, वो एनर्जी सफिशिएंट है इनको ट्रेलिंग एज तक पहुंचाने के लिए, राइट। तो स्लेट्स क्या करते हैं, एयर फ्लो को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि आप ट्रेलिंग एज तक आराम से पहुँच जाओ, टर्बुलेंट ना हो पहले, उससे पहले, राइट। तो ये स्लेट्स का काम है। तो इसके बाद में स्लेट ऑपरेट होते हैं और वो स्टॉलिंग एंगल को इंक्रीज कर देते हैं, राइट। तो ये अपना स्लेट्स का काम होता है। तो ये आज का टॉपिक था, थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बाय।